पत्र समय समय से नजर इतने आवश्यक भी है और वो नहीं। तो मैं आज के सत्र को प्रारंभ करने से पहले सर आपकी आवाज इको कर रही है। हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट पैनल की वंदना गुप्ता मैम भी जुड़ चुकी हैं। ये दो दिन मीना मैम ने पपेट्री के लिए थे, उसके बाद के दो दिन आर्ट एंड क्राफ्ट में मैम लेंगी, वंदना मैम लेंगी, और ये भी लखनऊ से। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदना मैम, मीना मैम। हाँ जी, धन्यवाद। मेरे अभी एक वेबिनार चल रहे हैं और वो भी चल रहा है साथ में। रिनु मैम आप हैं आज? रिनु जायसवाल मैम इलाहाबाद से, प्रयागराज से। हाँ मैम आप आ गई हैं। हेलो। हाँ आपका वो प्रतिवेदन तैयार है मैम? आख्या जी ठीक है मैम, तो हम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं लोगों का, तो उसके बाद फिर हम ये वर्कशॉप शुरू करते हैं। 62 लोग हो गए हैं ना सर अभी, हम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा देर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ, 12-10 तक देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं। हाँ ठीक। जी, इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य ये रहा है जिसके लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि इस लॉकडाउन की अवधि में हमारे उत्साही शिक्षकों ने जनपद स्तर से स्टेट लेवल पे और उससे भी आगे बढ़ के बहुत सारे वेबिनार आयोजित किए हैं जो कि सैद्धांतिक ज्यादा रहे हैं, और उन सैद्धांतिक चीजों पे लोगों ने अपनी समझ बनाई है, किंतु ये थोड़ा हटके इसलिए आपको लगेगा और है भी क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हमको प्रैक्टिकली सीखने का मौका दे रही हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजर रही हैं, और इसमें हम खुद भी कुछ करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कल जो मीना मैम ने सिखाया था, आपने से लोगों ने उसको प्रयास किया है, बनाया है, और उनको बनाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बात की है, और उस संदर्भ में आज ही आप अपनी बात को रख सकते हैं वो साहब के खत्म होने के बाद। मीना मैम, पब्लिसिटी के क्षेत्र में स्टेट लेवल पे बहुत ही एक उम्दा काम करने वाली शिक्षिका हैं, और इसी के आधार पे इनको कई तरह के पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, सम्मानित किया गया है, और जो खाकर अवध क्षेत्र के शिक्षक हैं वो बिल्कुल इस बात से बखूबी परिचित होंगे कि मैम के बनाए हुए पपेट और TLM से और वंदना मैम के TLM से वहाँ के लखनऊ के जो शिक्षा विभाग के कार्यालय हैं वो सजे हुए दिखते हैं, तो जिनको उधर जाने का अवसर मिला होगा उस चीज को देखा होगा। तो ऐसे शिक्षक से हमें यहाँ पे शिक्षा लेने का अवसर मिल रहा है जिनको विभाग और विभागीय उच्च पदस्थ लोग निरंतरता के साथ सहाते रहे हैं, तो हम सब इन सब को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छी पहल करी है और अपने ही
शिक्षा साथियों के बीच से ऐसे लोगों को खोजा है, निकाला है, सामने लाने का काम किया है, सबसे परिचित कराने का काम किया है स्टेट लेवल पे, जिनसे हम कुछ सीख पाएंगे और ना सिर्फ सीखेंगे तो वो सीखे हुए का प्रयोग भी अपने विद्यालय में करने का संकल्प लेंगे और इस संकल्प को पूरा करने में हमारा आपका जुड़ाव, हमारा आपका साथ ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। चीजें होती है फिर भूल जाती है, लेकिन जब हम जुड़े रहते हैं, हम एक साथ बने रहते हैं तो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, दूसरे से सीखते हैं और ये सीखे सिखाने का क्रम अगर आगे बढ़ना है तो हमें निरंतरता के साथ ऐसे लोगों की तलाश करती रहनी होती करते रहना चाहिए जो इस काम में हमारे सहयोगी हो सकते हैं, जो इस काम को बढ़ाने में मददगार बन सकते हैं, जो इस काम को करने में रुचि रखते हैं। तो निश्चित रूप से आपको रजिस्टर के साथ जुड़कर अपने आसपास ऐसे शिक्षकों पे भी उनको भी इस बारे में आत्मबलन प्रदान करेंगे, उनको समृद्धि प्रदान करेंगे, उनके जो हुनर है, जो उनकी हॉबी है, उसे आप पैशन में बदलने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। ये पूरा उद्देश्य है टीम एजुकेटर का और निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार के ऐसी भावना नहीं है कि ऐसा करने से क्या हमें वापस मिलने वाला है, सिर्फ एक बिल्कुल परमार्थ और निस्वार्थ भाव की एक सेवा की भावना के साथ हम इस काम को लॉकडाउन में एक विचार के सहारे आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि विचार शाश्वत और अमर होता है, अगर अच्छे विचार हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले को प्रेरित करते हैं। तो एक रजिस्टर एक विचार है, इस विचार को आदरणीय प्रीति जी ने आगे बढ़ाते हुए मैम को लखनऊ से, सविता मैम को रायबरेली से, भाई रितेश जी को सीतापुर से, आदरणीय नवीन जी को ललितपुर से, रवि जी को चित्रकूट से, इन सबको एक सूत्र में पिरोया और नीना मैम, मन्ना मैम, आदरणीय आशीष सर और भी बहुत सारे हमारे साथी जो एक्सपर्ट पैनल और जजेस पैनल में जुड़े रहे थे, अपने क्षेत्र के होनहार विद्वान लोग थे, उन सबको जोड़ने का प्रयास आपने किया है, पूरी टीम ने किया है। तो मैं टीम को आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामना बधाई अभिनंदन देता हूँ कि हम सब एक बेहतर काम के सहभागी हो रहे हैं, सहगामी हो रहे हैं, प्रतिभागी हो रहे हैं। और मैं सीधे चलता हूँ सुरभिमन के पास, वो इस काम को आगे की तरफ बढ़ाए। थैंक यू सो मच धीरज जी, और बस आपकी सारी बातों को मैं इसी चीज में समराइज करूंगी कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल की ओर और लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो इसी कारवे के साथ आप हम चलते हैं, 12:10 हो चुका है। तो आज की जो हमारी कार्यशाला का टॉपिक है वो पब्लिक ही है और मैं अब आमंत्रित करूंगी नीना मैम को कि वो यहाँ पर आए और आज हमें क्या सिखाएंगी, क्या नया हम सीखेंगे वो सीखेंगे उनसे। थैंक यू नीना मैम। सुरभि मैम, इसमें हम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए सविता दीदी से सरस्वती प्रार्थना करा लें, सरस्वती वंदना। और हाँ, और उसके बाद रीनू जी का प्रतिवेदन रहेगा 2 मिनट का, फिर उसके बाद हम अपना ये पपेट्री का शुरू करेंगे वर्कशॉप, ठीक है? हाँ सविता दीदी, सरस्वती वंदना से शुरू करें। शंकरा प्रवीत वी दे
धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, और सभी चैट बॉक्स में लिख भी रहे हैं, बहुत सुंदर आवाज। और माँ शारदे को नमन करते हुए हम लोग अपने अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी रेणु मैम जी को कि वो अपना जो उन्होंने आख्यान किया वो हम सबके सामने प्रस्तुत करें। थैंक यू सुरभि। मैं रीनी जायसवाल प्रयागराज से हूँ। सबसे पहले मैं प्रीति मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने एडू स्टफ के स्टेज पर मुझे आने का अवसर प्रदान किया है। ये एडू स्टफ की पहल बहुत ही शानदार ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जो कि एक छोटी सी प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुई जिसमें हम सभी ने बहुत ही इसे भाग लिया और सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी तक मैं कल सोच रही थी कि अब इस एडोस्टफ में आगे क्या होने वाला है, प्रतियोगिता तो हो चुकी है, लेकिन तभी हमने ये वर्कशॉप का आयोजन शुरू होने की खबर सुनी। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी स्टेज पे बहुत ही अच्छा काम होता रहेगा, और जिसकी शुरुआत ही इतने रोमांचक ढंग से हुई है वह आगे निसंदेह अद्भुत प्रदर्शन करेगा। एडोस्टफ प्रीति मैम का क्रिएशन है और उनके क्रिएटिव विचार आगे बहुत ही अच्छा क्रिएशन करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद प्रीति मैम, धन्यवाद एडोस्टफ टीम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एडोस्टफ अभी ऐसे ही आगे बढ़ता भी जाएगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम नित नया कुछ नया लेकर आए ताकि आप सब लोग भी प्रसन्न रहे, खुश रहे और सीखने सिखाने की प्रक्रिया ऐसी चलती रहे। अब मैं आमंत्रित करूंगी इसी क्रम में मीना मैम को कि वो कृपया आए और आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है पपेट्री को लेकर उसमें हम लोग आगे बढ़े। मीना मैम कृपया आइए। हाँ, सभी को नमस्कार, मैं मीना विश्वकर्मा हूँ। और जो लोग कल जुड़े थे हमसे तो उन्होंने देखा भी होगा कि कल हम लोगों ने एक ग्लव पपेट बनाना सीखा था, तो आशा है समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई भी क्वेरी है तो ये वाला सेशन समाप्त करने के बाद वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज मेरे पास ये है, तो आज हम लोग ये बनाना प्लीज आप सभी अपना कैमरा ऑफ रखें, फिर नहीं तो हमें ग्रुप के नियम के तहत रिमूव करना होगा। आप सभी अपना कैमरा ऑफ रखें क्योंकि हमारे वर्कशॉप में व्यवधान पड़ेगा। मीना दीदी आप अपना कैमरा ऑन करें। सुरभि जिसका कैमरा ऑन हो ना उसको आप रिमूव कर दीजिए, फिर जब वो सीख जाएंगे उसके बाद अंदर आएंगे, क्योंकि ऐसे हम सीख नहीं पाएंगे, एक्सपर्ट का कीमती समय जाया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। मीना दीदी आप दोबारा अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए। मीना दीदी नेटवर्क इशू है क्या? मीना दीदी आपको आवाज जा रही है? मीना दीदी शायद लेफ्ट हो गई हैं, वो नेटवर्क इशू है, मैं बात करती हूँ। ठीक है, हाँ वो दोबारा ज्वाइन करेंगी जब तक आप। हेलो, हाँ वेरी गुड आफ्टरनून, आप कौन जी बताएं जी? जी अच्छा आप नहीं जुड़ पाए, ओके। एक्चुअली ग्रुप बन गया था तो आपने उसमें डिटेल नहीं भेजी थी क्या? आप लोगों से बार बार निवेदन ये किया जा रहा है प्लीज बीच में आप आपने नंबर नहीं डाला होगा, क्योंकि जिन्होंने अपना नंबर दिया था उन्हें ऐड किया। बार बार छू रहे हैं तो आपका बार बार स्क्रीन या कुछ ऑन हो जा रहा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना, अपना बता दें आप कि आप ठीक है, और उसमें हाँ डिटेल भेज दें, कल आपकी एंट्री थी तो हम आपको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके।
प्रीति मैम, क्या आपने मीना दीदी से बात की है क्या? हाँ कर रही हूँ, बस कर रही हूँ, फोन ऑन है। हाँ दीदी, क्या हुआ फिर? तो आप फिर से ज्वाइन करिए। हाँ ठीक, हाँ वो आ रही हैं। आज की जो हमारी एक्सपर्ट है वो काफ़ी सीनियर भी हैं हमसे, और कई मायनों में वो बहुत प्रतिभावान हैं, और हमें उनके रिस्पेक्ट में भी कैमरा और माइक नहीं ऑन करना चाहिए, क्योंकि कोई इतना प्रतिभावान और विद्वान और नोबल पर्सन अगर हमें सिखा रहा है तो हमें बिना व्यवधान के वो जो सिखा रहे हैं हमें सीखना चाहिए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है ये कि कोई भी कोई क्वेरी हो, कोई बात हो, आप चैट बॉक्स में लिखें, नहीं तो अनायास अपना माइक और कैमरा ऑन नहीं करें प्लीज। कंचन बाला मैम, आपका कैमरा और माइक दोनों ऑन है, प्लीज बंद करिए। कंचन मैम, आप अपना वीडियो ऑफ करें प्लीज। हेलो, मीना दीदी को जुड़ने में शायद प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, हाँ रुचि मैम नमस्ते, आप अपना माइक ऑफ कर लें। हेलो प्रीति मैम, नमस्ते मैम। हाँ बताएं। हाँ मैं, प्लीज जिसको जो कहना है वो चैट बॉक्स में लिख दे, क्योंकि दिक्कत हो रही है ऐसे बार बार। मीना मैम ज्वाइन कर चुकी हैं और हमारी बात हेलो। यस दीदी, वेलकम दीदी अगेन। हेलो दीदी, आवाज आ रही है आपकी? वेलकम, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी, तो ये मैंने एक लेगिंग की थोड़ी सी मैंने एक टुकड़ा काट लिया है, ये करीब होगा हाफ एन मीटर है ये, और ये देखिए ये बहुत पुरानी है तो ये थोड़ा सा ये लच गया है इसका पोर्शन। अब हमें करना क्या है, हम एक पतली दफ्ती का टुकड़ा लेंगे, ये मेरे पास पड़े हुए थे टुकड़े, ये तो इसके नाप के जो ये वाला जो एरिया है इसको फोल्ड करके हम नापेंगे, वैसे नापेंगे तो ये खिंच जाएगा, इसको यहाँ से हम इसको नाप करके यहाँ पे पहले काट लेंगे। दीदी एक रिक्वेस्ट है आपके, कैमरे का एंगल थोड़ा सा, कैमरे का एंगल सही कर लीजिए, आपका फेस के अलावा दिख नहीं रहा है। मीना दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हेलो, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज। ओके चलिए आप कंटिन्यू करिए, आपका दिख नहीं पा रहा था, सिर्फ फेस दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, टिल्ट कर दीजिए कैमरा। ठीक है मैं कंटिन्यू करती हूँ, फिर आगे देखते हैं। ये है दफ्ती, अब इसको हम यहाँ से ये दो पीसेस हमने ऊपर से ये राउंड है ये हमने इनको काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है यहाँ पर हम फेविकोल लगाएंगे दोनों में, इस साइड में नहीं लगाना है, सिर्फ इसी साइड में लगाना है, और लगाने के बाद में जो हमारी लेगिंग का टुकड़ा है जो इधर से, तो ये क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है तो ऐसे इसको अंदर की तरफ हम लगा करके जोड़ देंगे। अब इसको आगे देखते हैं, ये देखिए ये हमने लगा करके जोड़ दिया है, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा काट देंगे क्योंकि हमें अब इसको अंदर की तरफ कपड़ा ले जाना है।
मीना मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही आवाज। थोड़ा सा कैमरा दूर कर दीजिए दीदी अपने से, जो आप दिखा रहे। अभी ऐसे हो गया है, अब इसको अंदर की तरफ हम लोग फोल्ड करेंगे। दीदी थोड़ा सा कैमरा दूर कर दीजिए। मीना मैम, हेलो मीना मैम, नमस्ते मैम। प्लीज आपके ना हाथ नहीं दिख रहे हैं, केवल फेस दिख रहा है। आप प्लीज थोड़ा सा कैमरा पीछे कर दीजिए। अब दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है जी, थोड़ा सा। थैंक यू मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। ये जो है इसको हम यहाँ से ग्लू लगा करके जोड़ देंगे। तो इसको अभी हम ग्लू लगा के जोड़ेंगे, टाइम टेकिंग है, तो इसको हम स्टेपलर से स्टेपल कर देते हैं। दीदी आपका मोबाइल थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा और पीछे रखिए ना तो आपका पूरा अच्छे से आएगा। आज थोड़ा सा मोबाइल आपका तिरछा हो गया है। ये हो गया। हेलो, ये दिख रहा है आपको? मीना दीदी आपको आवाज आ रही है कि नहीं पहले तो ये बताइए। आप आवाज सुन पा रही हैं? थोड़ी सी आवाज। हाँ दीदी कैमरे को थोड़ा पीछा करिए, पीछे करिए। कल का आपका एंगल ठीक था तो चीजें दिख रही थी क्लियर, हमको अभी नहीं दिख पा रहा है सबको। हाँ राइट राइट राइट, अब सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी तो ये हमने इसको बता दीजिए एक बार, आपने क्या किया शुरू से, जो आपने किया शुरू से बता दीजिए सबको। अच्छा अच्छा, जो हमने ये दफ्ती लगाई थी गोल वाली, ये जो काट करके यहाँ पे हमने ग्लू लगाया था और इसको इस प्रकार चिपकाया था। अब ये कपड़ा है, ये इस प्रकार से हो गया। तो अंदर का जो पोर्शन है उसको हमने स्टेपल कर दिया, या तो फिर इस पे ग्लू लगा दीजिए। तो ग्लू सूखने में टाइम लगेगा, फेविकोल लगाएंगे, इसलिए मैंने उसको स्टेपल कर लिया। अब क्या करना है, एक राउंड टुकड़ा काटेंगे हम इसमें। ये कागज है, एक राउंड सर्कल सा ले लेंगे और इसको पूरा काट देंगे। थोड़ा सा ओवल होता है, एग्जैक्ट राउंड नहीं होगा, थोड़ा ओवल होगा। अब वो हमें इसके ऊपर इस प्रकार से इसको चिपका देना है। और एक ये टिश्यू पेपर है, तो हम कॉटन को इसको ले करके और इसको इस ढंग से इसमें बांध देंगे धागा। और ये जो पीछे का जो पोर्शन है उसको हम काट देंगे। ऐसी है, अब दो आईज हम लोग इस प्रकार की बना लेंगे और इसके ऊपर ये ब्लैक वाला पोर्शन ऐसे फेविकोल से जोड़ देंगे। ये देखिए ये जुड़ गया। अब हमें पीछे का इसको डेकोरेट करने के लिए कि ऊपर के थोड़ा सा ये आईज इसकी अच्छी लगे, ये देखिए ये हमने इसको बना लिया है और इसके अंदर एक कलर और एक और कलर और ये आईज एक छोटी सी दफ्ती पे चिपकाया है, जिससे कि जब हम
उसके सॉक्स पर चिपकाए, जो भी हमारी लेगिंग है या जो भी कोई जो जिसका भी हम बना रहे हैं तो उसके ऊपर ये आसानी से इस प्रकार टिकी रहे ऐसे। अब इसको फेविकोल से हम लोग चिपका देते हैं। मैम प्लीज थोड़ा सा और दूर कर लीजिए कैमरा, मैम प्लीज थोड़ा सा और दूर कर लीजिए कैमरा, कैमरा आपका आपका केवल फेस दिख रहा है मैम। अब आया जी, थोड़ा सा अगर और आप पीछे कर लेते। जी जी जी, अब ठीक है मैम। ये चिपक गया है, अब हमें यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा ब्लैक लगा दे तो ये अच्छा लगेगा। तो मैंने ये कटिंग ऐसे काट के रखी हुई है, ये देखिए, ये इस बार प्रकार हम इसको लगा देंगे और थोड़ा सा दबा देते हैं जिससे कि थोड़ा ये फ्लफी सा हो जाए। अब एक काम करना है, थोड़ा सा कॉटन लेकर के ये जो पोर्शन है इसके अंदर लगा देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा उठा उठा दिखाई देगा। देखिए ये थोड़ा सा उठ गया है, ये देखिए। अब ये जो पैकिंग की पन्नी है वो मेरे पास पड़ी हुई है तो इसको हम काट करके इसके बहुत सारे ऐसे से लीव्स काट लेते हैं। थोड़ा सा एक बार शुरू का जो आपने दफ्ती काट के लेगिंग के टुकड़े में कैसे लगाया था वो
मैं सुरभि मैम बोल रही थी और हम सब भी यही कह रहे थे कि जो आपने स्टार्ट किया था ना, जो लेगिंग लेकर आपने उसमें किस तरह से दफ्ती लगाई थी, एकदम शुरू का एकदम प्रोसीजर प्लीज एक बार शुरू का बता दीजिए। जी जी प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा पीछे। कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। थोड़ा पीछे से देखिए, ये हमारी लेगिंग थी, ठीक है, और ये पुरानी वाली है ना, तो ये हमने दो हमें इस प्रकार से काटने हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमें फेविकोल लगाना है। ये देखिए, फिर इसको हमें ये जो कपड़ा जो खुला एरिया है, तो ये पोर्शन जो है वो हम उल्टा करके ऐसे लगा देंगे। ये क्लियर हुआ? इस प्रकार फिर जब मोड़ेंगे ना, मैंने कहा था ये तो फिर ग्लू लगा दें या तो फिर इसको हम स्टेपल कर दें ऐसे। फिर यहाँ पर हम दूसरा रेड कलर का कागज लगा सकते हैं या फोमी शीट लगा सकते हैं, जैसे ये लगाया, और अंदर जीभ बनाने के लिए या मुंह का पोर्शन दिखाने के लिए कुछ और कलर इस पे लगा सकते हैं। और कुछ छूटा था? नहीं, थैंक यू सो मच मैम, अब सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। किसी की कोई क्वेरीज हो तो बताइए। सुरभि, टुडे आई एम नॉट एबल टू लिसन इवन अ सिंगल वर्ड। मुझे लग रहा है या तो मेरी साइड, हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई एम अनएबल टू लिसन। मेरी और सुरभि दोनों की आवाज शायद आपको नहीं सुनाई पड़ रही है दीदी। और ओजस्विनी मैम, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग यू। आप अच्छा दीदी, सुनाई पड़ रही मेरी आवाज? पता नहीं क्या हो गया आज, मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोल मैम, थोड़ा सा कान बता दीजिएगा, एक्चुअली यहाँ नेट चला गया था। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ तो क्या छूट गया आपका? मैम पूरा कान का प्रोसीजर ही छूट गया जी। कान मैडम, ईयर कान, ईयर्स कान, ये वाले पोर्शन? जी 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 मैम जी, ये वाला? हाँ हाँ जी जी जी। ये दफ्ती में लगाने वाला? नहीं नहीं, जो येलो रेड ये ईयर आपने बनाया ना आईज के ऊपर ईयर। हाँ, अच्छा अच्छा, ये वाले? हाँ अच्छा हाँ, हाँ। देखिए ये आपके पास फोमी, मैंने फोम शीट से बनाया है, ठीक है, क्योंकि अच्छा, बाबा टुकड़े पड़े थे। आप कोई भी कलरफुल पेपर से बना सकते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करिए, फिर इसको बन गए दो। अब इससे हमें डेकोरेट करना है, तुम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है? और उसके ऊपर एक छोटा सा कट मार दीजिए, कट इसलिए कि जिससे ये यहां पर थोड़ा सा मुड़ा दिखाई दे, और फिर इसको फेविकोल से जोड़ दीजिए। तो जो ईयर है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, एक्स्ट्रा हम काट देंगे, ठीक है। अब जो हमने आंख बनाई थी ये वाली, ये इसमें इधर से हम इसको फेविकोल से जोड़ देंगे, फिर एक पतली सी दफ्ती लेंगे, ठीक है जी। तब ये इसका, ये देखिए दफ्ती लगी हुई है जी, तब ये इसके ईयर्स ऐसे बन जाएंगे। ये फोमी शीट से बने हुए हैं इसलिए थोड़े से मोटे लग रहे हैं, आप किसी भी चीज से बना सकते हैं वो फिर भी अच्छे लगेंगे। हाँ बिल्कुल, और इसमें एक चीज और कहूंगी, जो अंडे की ट्रे आती है, तो अंडे की ट्रे की अगर आप जो सर्कल वाला पार्ट होता है उसको अगर आप काट के लगाएंगे तो वो बिल्कुल ओरिजिनल ईयर की तरह शो करता है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस मीना मैम, आपको मेरी आवाज जा रही है? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आप मैम पास में? हाँ अब आई। हाँ अब तो मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही, आ रही है। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे तरीके से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी को थैंक्स जिन्होंने मेरी ये बिल्कुल, कई बार एक डिस्कनेक्ट हो गया था उसको देखा,
कहीं भी कोई भी चीज छूट रही हो किसी से तो दोबारा हमसे पूछ सकता है, तो हम उसको हम अपने ग्रुप में मैं उसको बता दूंगी। और मैम आप अपने YouTube लिंक का चैनल भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, लोग उसको देख लेंगे। आपका YouTube पे अगर लिंक हो तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की है सेशन की, जी तो जी प्रीति जी मैम जरूर उसको ग्रुप में डाल देंगी। और मैम वंदना मैम मीरा मैम आपसे ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, तो आपके जो भी क्वेरीज हो या जो चीज आप बनाकर प्रेजेंट करना चाहें तो वो आप हाँ जरूर उसको बनाइएगा, जरूर अपनी छोटी सी वीडियो डालिएगा सब लोग। और ये घर की चीजों से ही बना है, हमने लेगिंग ली है, आप ग्लव्स ले सकते हैं जो आप पहनते हैं, या कुर्ते की स्लीव ले सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं, तो ये आसानी से बन जाता है। बस ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस प्रकार से डेकोरेट कर ले आते हैं तो वो सुंदर सा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, कोई भी आप में से किसी को भी कोई प्रश्न करना हो या कोई बात पूछनी हो तो मीना मैम से पूछ लीजिए। हेलो। हाँ हेलो। मीना मैम, मैं नीलम चांदना बोल रही थी। इसमें हम लोग सॉक्स भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्योंकि मैंने इसमें एक स्नेक टाइप में बनाया था, वो सॉक्स से बनाया था। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि इसको भी हम बना सकते हैं उससे कि सॉक्स नहीं, सॉक्स ही बन सकता है। एक्चुअली मेरे पास ये लेगिंग का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैंने स्कूल में बनाए थे तो उसका एक टुकड़ा बच गया था, इसलिए मैंने उसी से बना दिया। और इससे बड़ा भी बनेगा, सॉक्स से थोड़ा छोटा बनता है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा कि बड़ा बन पाएगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। हेलो। हाँ मैम, बस मुझे एक ये शुरू वाला जो प्रोसीजर था, जैसे आपने ऊपर स्टेपल किया, सेम ऐसे ही नीचे भी स्टेपल करेंगे उसका जो आपने मुंह नहीं स्टेपल नहीं करेंगे, एक्चुअली मैंने उसको वो ग्लू गन काम नहीं कर रही है अभी, तो ये फेविकोल से जोड़ेंगे, टाइम टेकिंग है, मॉइस्चर बहुत है मौसम में। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन स्टेपलर से रिलेटेड नहीं है, मतलब मेरा है कि जो लेगिंग का जो हिस्सा जो खुला हुआ है, खुली हुई तरफ से ही हम दोनों मतलब ऊपर और नीचे का फेस मुंह बनाएंगे। हाँ, एक तरफ खुला, दोनों तरफ हम जब काटेंगे लेगिंग तो पूरी तो लेंगे नहीं। जी जी जी। हाँ, तो करीब आधा मीटर लेंगे, तो आप काटेंगे तो खुला हिस्सा दोनों तरफ होगा, एक तरफ से हाथ हमारा जाएगा, एक तरफ मुंह बना देंगे। नहीं नहीं, वो मैं समझ गई, लेकिन जिस हिस्से में मुंह बना रहे हैं आपने आधी दफ्ती काटी ओवल शेप की, और हाँ, वो ऊपर चिपकाटनी दो। जी जी, दो काटनी है, वो ऊपर चिपकाई तो सेम ऐसी ही नीचे चिपकानी है, नीचे करनी है, तो आपस में से जुड़ेंगी कैसे वो, मतलब बंद कैसे? नहीं नहीं, हम हाथ डालेंगे ना अंदर, यदि आप उसको जोड़ेंगे ना तो कभी कभी वो एक कोई चीज उसमें जैसे फंस जाती है, तो हाथ हमारा अच्छे से जाता नहीं है अंदर, इसलिए मैंने उसको जोड़ा नहीं है। ओके, अच्छा, वो खुली ही रहेगी? हाँ खुली, वैसे कोई कोई लोग जोड़ लेते हैं, टेप से जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, लेकिन ये कि हमारे हाथ जाने में जो प्रॉब्लम कभी कभी खुल जाता है ना अंदर से, जी जी, तब जी, हाथ कहीं और चला जाता है, तो वो ढंग से फिर मैनिपुलेट नहीं हो पाता है। ओके ओके, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से सिखाया, थैंक यू मैम। मीना मैम, मैं एक चीज और कहूंगी कि अगर इसमें हम पेस्टल शीट यूज कर लेते हैं ना दफ्ती की जगह, तो हम उसे ओवल में लेते हैं तो वो बीच में बंद भी हो जाता है और वो आराम से खुल जाता है। हाँ, है ना, जैसे कि अगर हम दफ्ती ना लें और हाँ? वो ले लिया हमने पेस्टल शीट ले ली और उसका हाफ सर्किल की जगह ओवल ले लिया तो बीच में बंद दिखता है और वो खुला भी नहीं रहता, उससे भी बना सकते। मैं अपना अभी तो मैं बीआरसी पर हूँ, मैं घर पहुंचूंगी तो मैं अपना वाला जो मैंने बनाया है वो शेयर करूंगी आपसे, तब जी 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 अवश्य शेयर करिए। ये तो मेरे पास घर में जो सामान उपलब्ध था उसी से मैंने बना दिया है। वो भी वेस्ट से ही है कि सॉक्स कोई भी वेस्ट हो उससे। हाँ, बस ये कि बेस हमने बता दिया है, आगे का आप लोग इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। जी जी, थैंक यू मीना मैम। मीना, हाँ मीना मैम, जब सबकी क्वेरीज हो जाए तो आप अपने पपेट के साथ एक बार जरा लाइव आ जाइएगा, तो एक फोटो आपका हो जाएगा। तो क्या जी, जब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोले बोले। जब सबके क्वेश्चंस हो जाए तो आप अपनी पपेट के साथ एक बार लाइव फोटो के लिए आ जाइएगा प्लीज। अनेबल सुरभी। ओजस्विनी मैम आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ मीना मैम, सुरभि मैम और प्रीति मैम ये बोल रहे हैं कि अगर सबकी क्वेरीज पूरी हो जाती हैं तो प्लीज हाँ? आप अपनी पपेट्स के साथ एक बार लाइव आ जाइए, आपका एक स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, थैंक यू मैम। पपेट्स के साथ और
किसी की कोई क्वेश्चन? मैम पपेट का फेस थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, पपेट का फेस थोड़ा सा, जी जी थोड़ा जरा सा ऊपर मैम, थोड़ा ऊपर अपनी तरफ, जी 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 बस बस, थैंक यू मैम की बिल्कुल वेव लेंथ मैच हो रही है मैम से आज। लैपटॉप पे शो नहीं हो रही, थैंक यू सो मच मैम। तो और किसी की प्रतिभागी की कोई क्वेरीज या कोई मतलब कुछ भी फीडबैक देना चाहें तो अभी हमारे पास टाइम है, कोई भी आ सकता है। शीतल मैम कुछ कहना चाह रही थी, शीतल सैनी मैम। हाँ जी, सबको नमस्कार। नहीं मैं यही कहना चाह रही थी कि मैम एक बार वो वाली पपेट दिखा दीजिए, तो बस वो जसरीन मैम ने कही दिया और मैम ने दिखा भी दी। चलिए आपकी बात मन की सुन ली। और किसी को कोई कुछ कहना हो या कोई क्वेरी? मुझे लगता है शायद किसी की नहीं है। मैम मीना मैम आपको मेरी आवाज जा रही है फाइनली कि नहीं? हेलो मैम। हाँ जी, मैं पूनम गुप्ता अलीगढ़ से। हाँ हाँ मैम, जरा एक बार आप दोनों पपेट हाथ में लेके स्क्रीन पे आइए। बहुत बहुत ही खूबसूरत मीना दीदी, और आशा है आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। ये हमारी रूपा है, ये पपेट, और ये आप सबसे चाह रही हैं कि आप लोग पपेट बनाएं और इसको ग्रुप में बना करके पार्ट से जोड़ करके इसको आप दिखाएं, एक मिनट दो मिनट का वीडियो, ताकि हम ये समझ सके कि आप सभी प्रतिभागियों को पूरी तरह से ये आ गया है।